मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा अब जनता के बीच लोकप्रिय होती जा रही है, जिसमें अधिकारी और नेता एक साथ इस विकास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं देपालपुर के राजपुरा गांव में पहुंची यात्रा के दौरान एक अनूठा नज़ारा देखने को मिला, जहां पूर्व विधायक बच्चों के संग जमकर थिरके। वहीं मंच से गरीबों को राशन आंगनबाड़ियों को सामान सहित कई योजनाओं के प्रमाण पत्र के साथ सम्मानीय लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती का पूजन व कन्याओं का पूजन कर की गई। धीरे धीरे विकास यात्रा अलग ही रंग में नजर आने लगी। कई अतिथियों के सम्मान में स्कूली बच्चे सांस्कृतिक गीतों पर झूमते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जब विकास यात्रा देपालपुर के राजपुरा गाँव पहुंची तो पूर्व विधायक बच्चों के संग खुद झूमते नजर आए। वहीं उन्होंने मंच से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही मंच से लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। तो साथ ही प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को लाभ भी दिया जा रहा है। बैटमा से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। शर्मा बेटवा सांसद प्रतिनिधि, आदरणीय श्री दिनेश जी उपाध्याय सांसद प्रतिनिधि जनपद पंचायत देपालपुर, श्री चंदन सिंह जी सुनेर वरिष्ठ कांग्रेस जी देखिए विकास यात्रा करते हुए भी विकास यात्रा निकाली नहीं सकता है। क्यों नहीं निकाली सकता है? क्योंकि हमने गांव की गरीब की किसान की कोई की चिंता नहीं करी। उनने कभी गांव को रुखित नहीं करियो। 60 साल तक देश पर राज करियो हमने, पंचशली ने प्रधानमंत्री था और उन्हा समय में उनका एक प्रधानमंत्री था भी, ये बोलता था कि हम 1 रुपये दिल्ली से भेजा तो 15 पैसा पहुंचे नीचे। तो भैया पंच से प्रधानमंत्री देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, देपालपुर के नेतृत्वकर्ता श्री मनोज जी पटेल के नेतृत्व में हमारी ग्राम पंचायत राजपुरा में विकास यात्रा आई थी। बड़े उत्साह के साथ ग्रामीण जन महिला जनों ने उनका स्वागत करा और अनेक अनेक विकास योजनाएं हमारे गांव में उनके द्वारा दी गई, इसलिए गांव के सभी लोग उत्साहित थे, सरपंच उत्साहित थे, ग्राम पंचायत उत्साहित, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी और इस विकास यात्रा के धन्यवाद मुख्यमंत्री जी के, यहाँ के पूर्व विधायक जी के कार्ड के माध्यम से हमने धन्यवाद प्रेषित करा। ये हमेशा गाँव विकास के साथ रहा। भाजपा का यहाँ बहुत सारी विकास योजनाएँ, मनोज जी पटेल ने विकास योजनाएं दी, सांसद जी ने विकास यात्रा दी और मैं विकास यात्रा में गांव-गांव जाकर के बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की कि गांव में उत्साह इस विकास यात्रा को लेकर के, गांव में लगभग मैक्सिमम गांव में पोस्टल कार्ड के माध्यम से लोग कहीं PHE का धन्यवाद दे रहे हैं, कहीं कोई लाडली लक्ष्मी योजना खूब सारी हमारे गाँव में उसका धन्यवाद दे रहे हैं, कोई आयुष्मान कार्ड का धन्यवाद दे रहे हैं, कोई स्वायत्त योजना के पट्टे का धन्यवाद दे रहे हैं। अलग अलग योजनाओं के कई सारे गांवों में इस टाइप के पोस्टल कार्ड मुझे मिले हैं कि सरकार को हमारी तरफ से धन्यवाद, हमारे गांव की तरफ से धन्यवाद। और आपने जैसा कि यहां आज देखा होगा राजपुरा में बच्चे, यहाँ हम आए तो बच्चों का नृत्य चल रहा था, तो बच्चों ने मुझसे कहा तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया, उनके साथ झूम लिए और यह पूरे लगभग सभी गांवों में यह उत्साह है। और विकास यात्रा के माध्यम से हमको लग रहा है कि नहीं, जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। शासन की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना पहले शुरू करी थी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने लाडली बहना योजना की घोषणा करी है। इस लाडली बहना योजना के माध्यम से अभी आवेदन लिए जा रहे हैं और 1 जून के बाद से उनको
हर बहन को जिसका इसमें पात्र होगी और जिसमें इसका नाम जुड़ जाएगा उनको 1,000 रुपया प्रतिमाह उनके खातों में माननीय शिवराज जी डलवाएंगे। पर इस योजना के कारण नहीं, आज आप यहाँ माता बहनों की जो भीड़ देख रहे हैं ये खुश है इस बात के लिए कि उनके घर के सामने का कीचड़ मिट गया, उनके घर के सामने नाली हो गई। अब उनका पहले वो गांव से बाहर बावड़ी पर पानी भरने जाती थी और लेकर के एक एक दो दो मटका पानी भर के लाती थी और उनको बड़ी परेशानी होती थी। अब उनके घर पर ही माननीय प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के माध्यम से उनके घर पर ही नल के माध्यम से पानी आ रहा है, इस बात का उन्होंने आज हमें धन्यवाद दिया है, धन्यवाद के पोस्टर कार्ड भी दिए हैं। तो माता बहनें भी बहुत उत्साहित और खुश हैं। मुख्यमंत्री जी विकास यात्रा में आ रहे हैं और आप लोग आएंगे या नहीं आएंगे आप बताएं कौन आएगा, तो मुझे लगा था कि कुछ हाथ उठेंगे, यहाँ तो देखा कि ऐसा एक भी हाथ नहीं था जो नीचे था, सारे हाथ उठे और सब ने माता बहनों ने तक आने का इशारा दिया और हाथ खड़ा करके कहा कि हम मुख्यमंत्री जी को वहाँ भी धन्यवाद देने आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।